हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैजिकल क्रिएशंस बाय मंजूश्री में आपका स्वागत है। आज मैं एडवांस्ड 3D मंडाला आर्ट आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको हाँ बहुत कम सामान यूज़ करना है हमें। एक हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना है, कंपास यूज़ करना है, स्केल, पेन। वैसे तो माइक्रोन पेन यूज़ करते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप जेल पेन को यूज़ कर सकते हो या बॉल पेन को। अब इसमें देखिए, मैंने पेज का एक सेंटर ले लिया है, मैंने A4 साइज पेपर लिया, उसका मैंने सेंटर निकाल लिया। अब इस पर हमने 5 सेंटीमीटर पे हमने एक निशान लगा लिया, और फिर उसके बाद में एक 5.5 पे लगाया है, फिर 6 पे लगाया है, फिर 6.5 पे लगाया है, निशान लगा लिया, या कंपास से सर्कल्स बना लीजिए। 6 पे लगाया है, फिर 6.5 पे लगाया है, फिर 7 पे लगाया है, फिर 7.5 पे लगाया। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए तो हमारे सर्कल्स बन गए हैं। अब हमने क्या किया, जो बीच का अंदर का 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल था उस पर 1.5 सेंटीमीटर पे हमने सर्कल्स बना लिए। ये जो हमारा इनर सर्कल है जो 5 सेंटीमीटर पे है, इस पर देखिए मैंने एक डार्क लाइन कर दिया, थोड़ी थिक लाइन मैंने करी है, और बाकी सब पे मैंने एक पतली पतली लाइंस बना ली है। देखिए सबसे अच्छा तो इसको बनाने का तरीके भी है कि आप माइक्रोन पेन यूज़ करिए, बट माइक्रोन पेन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। यदि आप जेल पेन यूज़ कर रहे हो तो इफ़ेक्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन ज़रा सा भी पानी लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, पानी से फैल जाता है। या फिर आप बॉल पेन यूज़ करो। अब हमारे पास देखिए ये था, तो मैंने एक 0.5 पे मैंने निशान लगा लिए हैं जो अंदर इनर सर्कल है। अब फिर देखिए हर एक उस पे पॉइंट पे रखकर हमने एक एक सर्कल बना लिया है। देखिए ये आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल बनाए हैं हमने, इसका एक जगह पर ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इन सब का सेंटर देखिए अलग अलग है, सेंटर अलग अलग है, और ये सारे पॉइंट्स नीचे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उन सब की लाइन एक हो जा रही है। इसको भी हमने पेन से डार्क कर लिया। देखिए अब हमने क्या किया, इसको सेंटर पे रखा और 10-10 डिग्री पे हमने निशान लगा लिया। अब देखिए इसको सेंटर पॉइंट से जो बाहर वाला सर्किल है वहाँ पे हमने इसको जॉइंट करते जा रहे हैं। अंदर वाले को हमने नहीं टच किया, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है उससे हमने ये 10-10 डिग्री पे, तो हमारा एक ग्रिड तैयार हो जाएगा। जब हम मंडाला आर्ट जब बनाते हैं और जब उसमें ग्रिड बनाते हैं तभी हमारी ड्राइंग अच्छी आती है और यूनिफॉर्म होती है। नहीं तो ग्रिड के बिना यदि हम बनाएंगे तो हमारी मंडाला आर्ट कभी भी अच्छी नहीं बनती है। तो हमेशा हमें ग्रिड बनानी चाहिए। चाहे अब देखिए हमने एक छोटा छोटा यू बना लिया है, जल्दी बन जा रहा है। इसके अंदर देखिए एक और लाइन खींची है हमने, क्योंकि इसकी फिलिंग भी हमें करनी है, और फिर थर्ड हमने एक और फिलिंग कर दिया है, उसको पूरा सर्किल को भर दिया है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इसको बनाने में आपको 40 मिनट्स लगेंगे। जब आपकी ग्रिड बन जाती है तो आप बहुत इजीली बना पाते हैं, नहीं तो कोई चीज़ बड़ी और कोई छोटी हो जाएगी। ग्रिड बनाने से सब इक्वल आता है, और देखिए कितना सुंदरता से बन जा रहा है।
अब यहाँ पे देखिए हम एस बना रहे हैं, हर एक 10 डिग्री के जो एंगल बने हैं उन सब में एक एक में हम एस बनाते जा रहे हैं। सिंपल, कितना सिंपल डिज़ाइन है जो हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, कहीं यू बना रहे हैं, कहीं एस बना रहे हैं, ये सब बहुत इजी डिज़ाइंस हैं और जल्दी से बन जाते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया ये एस वाला पार्ट भी। अब थर्ड में हमने लीफ पैटर्न बना रहे हैं, एक एक एंगल में देखिए हम लीफ पैटर्न बना रहे हैं और इसको हम डबल कर रहे हैं और हाफ में हम जैसे लीफ में लाइंस होती हैं वैसे लाइंस बना दे रहे हैं। और आधे को हम फिल कर देंगे। हम इसमें कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये हम पहला बना रहे हैं इसलिए से हम ब्लैक एंड वाइट ही बनाना प्रेफर कर रहे हैं। आप चाहिए तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। आधे को देखिए, आधे में हमने लीफ पैटर्न दिया है और आधे में ही हम इसे ब्लैक कर दे रहे हैं, नेगेटिव कर दे रहे हैं। अब देखिए ऊपर का जो हाफ पोर्शन खाली था वहाँ पे भी हम ब्लैक कर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं उसे भी। अब देखिए यहाँ पे हम जो है एक स्पाइरल से बना रहे हैं, एक कमूर लेफ्ट में है तो एक कमूर राइट में है, इस तरीके से हम स्पाइरल्स बना दे रहे हैं। जो उसका बचा हुआ पोर्शन है उसको हम ब्लैक कर देंगे। अब देखिए इसके बाद फिर हमने दोनों हिस्सों को ले लिया एक साथ और उसमें हमने लीफ पैटर्न दे दिया और इसको हम डबल कर रहे हैं। अब देखिए मोर का पंख जैसा इसमें हम डिज़ाइन बना रहे हैं। मोर के पंख जैसा डिज़ाइन दे रहे हैं सर्किल, उसके बाद एक डबल सर्किल बनाया है उससे ऐसे लाइन बना दे रहे हैं। हम आपको सिंपल जेल पेन से बना के दिखा रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप माइक्रोन पेन खरीद पाओ क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो आप ऑर्डिनरी पेन से भी इसको बना सकते हैं। यदि आपको मेरा
बनाया वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अब देखिए जो छोटा सा पार्ट था उसको मैंने फिल करा है, थोड़ा ब्लैक किया और फिर आप थ्री लीव्स बना के उसके जो बचा हुआ हिस्सा था उसको ब्लैक कर दिया। ये देखिए, मैं ध्यान से देखिए आपको दिखाई दे जाए, थ्री थ्री मेरे स्पेस ही इतना था, मैं थ्री थ्री बना पाई। अब इसका सेंटर पार्ट में आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम ये लाइंस बना दे रहे हैं, ये तो हम लोग बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, इजीली आप बना पाओगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से सिखा सकूँ और आप लोग बहुत जल्दी आसान विधि से बनाना सीख जाओ। अब देखिए मैंने क्या किया, थ्री लाइंस की थी और यू बनाते जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल को मैंने दोनों तरफ से डार्क कर दिया है, तो तीन तीन लाइंस दिखाई दे रही हैं। कोई भी पैटर्न हम इजी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स डिज़ाइन से होते हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई टफ सा नहीं बताया आपको। यहाँ देखिए स्पाइरल्स मैंने बना दिए हैं, रैंडमली मैं कोई भी डिज़ाइन बना रही हूँ, पहले से मैंने प्लान नहीं किया है कि मुझे क्या बनाना है, रैंडमली मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाती जा रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं स्पाइरल्स बना दे रही हूँ और यहाँ फिर लाइन वापस खींच दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए फिर मैं ऐसे लीफ पैटर्न बना दे रही हूँ और बीच में ब्लैक कर दे रही हूँ। देखिए लग रहा है ना ब्यूटीफुल, और अच्छा हो जाएगा, 3D इफेक्ट आ जाएगा। जो इसका साइड वाला पोर्शन है, जो 5 सेंटीमीटर का अंदर का हिस्सा है, उसमें देखिए साइड में मैं थोड़ा एक पेंसिल लेकर के थोड़ा सा साइड में ज़्यादा डार्क कर रही हूँ और उसके अंदर का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा लाइट पेंसिल कर रही हूँ। अब मैंने देखिए ईयरबड ले लिया है और उससे स्प्रेड कर रहे हैं, या रुई से कर सकते हैं या हाथ की उंगली से आप फिंगर से कर सकते हो, थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। देखिए पूरा बहुत ब्यूटीफुल अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, और शेयर भी करिएगा मेरे वीडियोस को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको और क्या सिखाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।